प्राचीन श्री महायोगी गोरक्षनाथ यात्रा 26 तारीख से चालू होगी, जिसका समापन 3 तारीख को होगा। इस यात्रा के अंदर लाखों भाविक लाखों धाम का दर्शन करेंगे। श्रद्धापूर्वक हजारों दुकानें लगी हैं, जिसमें हमारे सिराला शहर के पत्रकार बंधु, नगर पंचायत CEO साहब, नगराध्यक्ष मैडम, सर्वनगर सेवक, क्षेत्रीय आमदार, हमारे सांगली के खासदार संजय काका पाटिल साहब, आमदार विनय कोरे साहब, पूर्व खासदार राजू शेट्टी साहब, पूर्व जिला परिषद सदस्य रणधीर जी नायक, इनका विशेष स्वागत है। सत्यजीत देशमुख भाऊ और संजय काका पाटिल की तरफ से एकादशी के दिन भक्तों के लिए 3 कुंटल फरियाली खिचड़ी की व्यवस्था की गई है। जितने भी दिंडिया आएंगे उन सबके फरियाली खिचड़ी के रोज दिन की भोजन की व्यवस्था संजय काका और सत्यभोग की तरफ से की गई है। आने वाले लाखों भक्तों के लिए पानी की सुविधा पृथ्वीराज पाटिल साहब ने भी नया बोरिंग करवाया है, जिसकी पाइपलाइन जगह जगह बिछाई है। हमारी नगर पंचायत के CEO साहब को इसे धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहले CEO है ये सिराला के अंदर, जो रात को 12-12 बजे आके यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं है। हमारी नगराध्यक्ष मैडम, सारे नगर सेवकों से मैंने एक निवेदन किया था कि इस बार हमें यात्रा के लिए कर गुला वगैरह करने की परमिशन दी जाए, तो उन्होंने देखा 2 साल से मंदिर बंद था और उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा, सम्मान करा, इसके लिए मैंने विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा मैं संतोष हिरवड़े और सुनील निकम को कि इन्होंने यात्रा के अंदर एक अहम भूमिका निभाई है। श्री शिवाजी राव नायक साहब हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करके पूछते रहते हैं क्या रूपरेखा है क्या नहीं है, और सभी का बिल्कुल लगभग सही हो गया। मेरे को ये विश्वास है कि ये ऐतिहासिक यात्रा होगी, 8 दिवसीय यात्रा ऐतिहासिक होगी। जनता का भी साथ है, हमारे राम बाबू नायक, हमारे राम बाबू जादव, इनका भी विशेष सहयोग है इसमें। और 8 दिवसीय इस यात्रा के अंदर एक अदृश्य शक्ति कोई है, जो लाखों लोग आने के बाद में भी कभी डिस्टर्बमेंट काम नहीं होता है। हमारा सिराला के PSC साहब, खिलावर साहब, जो बिल्कुल तगड़े रूप से सिंघम स्टाइल में, बिल्कुल बोल दीजिए कि दबंग पुलिस ऑफिसर, रात में 12 बजे आना, मैंने अभी तक इनके अलावा ऐसे कोई PSC नहीं देखे जो 10 के बाद आए हो, लेकिन 8 दिन से बिल्कुल इन्होंने व्यवस्था इतनी चकाचौंध लगा रखी है। और विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के पाटिल साहब का, उन्होंने कम से कम 100 डॉक्टरों की टीम लगाई है, 2 एम्बुलेंस है जो 24 घंटे यहाँ खड़ी रहेगी। धन्यवाद देना चाहूँगा
बाबा माणिक का, उनका भी हमारी यात्रा में विशेष सहयोग है। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं श्री मानसिंह बाबू का, श्री शिवाजीराव नायक साहब का, श्री रणधीर नायक का, जिन्होंने निरंतर कली मानसिंह बाबू आए थे, राजू शेट्टी साहब आए, संजय काका आए, सत्तू बाबू आए, सब ने आके यात्रा के बारे में पूछा कि क्या विशेष सहयोग, क्या सहयोग चाहिए, और हर एक दो दिन में फ़ोन करके यात्रा के बारे में जानकारी दी। स्टार्ट। प्राचीन श्री महायुग गोरक्षनाथ यात्रा 26 तारीख से चालू होगी, जिसका समापन 3 तारीख को होगा। इस यात्रा के अंदर लाखों भाविक लाखों धाम का दर्शन करेंगे। श्रद्धापूर्वक हजारों दुकानें लगी हैं, जिसमें हमारे सिराला शहर के पत्रकार बंधु, नगर पंचायत सीईओ साहब, नगराध्यक्ष मैडम, सर्वनगर सेवक, क्षेत्रीय आमदार, हमारे सांगली के खासदार संजय काका पाटिल साहब, आमदार विनय पोले साहब, पूर्व खासदार राजू शेट्टी साहब, पूर्व जिला परिषद सदस्य रणधीर जी नायक, इनका विशेष सहयोग है। सत्यजीत देशमुख भाऊ और संजय काका पाटिल की तरफ से एकादशी के दिन भक्तों के लिए 3 कुंटल फरियाली खिचड़ी की व्यवस्था की गई है। जितने भी दिंडिया आएंगे उन सबके फरियाली खिचड़ी के रोज दिन की भोजन की व्यवस्था संजय काका और सत्तू बाबू की तरफ से की गई है। आने वाले लाखों भक्तों के लिए पानी की सुविधा
पृथ्वीराज पाटिल साहब ने भी नया बोरिंग करवाया है जिसकी पाइपलाइन जगह जगह बिछाई है। हमारी नगर पंचायत के सीईओ साहब को इसे धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहले सीईओ है ये सिराला के अंदर जो रात को 12-12 बजे आके यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं है। हमारी नगर अध्यक्ष मैडम, सारे नगर सेवकों से मैंने एक निवेदन किया था कि इस बार हमें यात्रा के लिए कर गुला वगैरह करने की परमिशन दी जाए, तो उन्होंने देखा 2 साल से मंदिर बंद था और उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा, सम्मान करा, इसके लिए मैंने विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा मैं संतोष हिरवड़े और स्वप्निल निकम को कि इन्होंने यात्रा के अंदर अहम भूमिका निभाई है। श्री शिवाजी राम नायक साहब हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करके पूछते रहते हैं क्या रूपरेखा है क्या नहीं है, और सभी का बिल्कुल लगभग सही हो गया। मेरे को ये विश्वास है कि ये ऐतिहासिक यात्रा होगी, 8 दिवसीय यात्रा ऐतिहासिक होगी। तो जनता का भी साथ है, हमारे राम बाबू नायक, हमारे राम बाबू जाधव, इनका भी विशेष सहयोग है इसमें। और 8 दिवसीय इस यात्रा के अंदर एक अदृश्य शक्ति कोई है जो लाखों लोग आने के बाद में भी कभी डिस्टर्बमेंट काम नहीं होता है। हमारा सिराला के पीएसी साहब खिलावर साहब जो बिल्कुल तगड़े रूप से सिंघम स्टाइल में बिल्कुल बोल दीजिए कि दबंग पुलिस ऑफिसर, रात में 12 बजे आना, मैंने अभी तक इनके अलावा ऐसे कोई पीएसी नहीं देखे जो 10 के बाद आए हो, लेकिन 8 दिन से बिल्कुल इन्होंने व्यवस्था इतनी चकाचौंध लगा रखी है। और विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के पाटिल साहब का, उन्होंने कम से कम 100 डॉक्टरों की टीम लगाई है, 2 एम्बुलेंस है जो 24 घंटे यहाँ खड़ी रहेगी। धन्यवाद देना चाहूँगा बाबा माणिक का, उनका भी हमारी यात्रा में विशेष सहयोग है। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं श्री मानसिंह बाबू का, श्री शिवाजी राव नायक साहब का, श्री रणधीर नायक का, जिन्होंने निरंतर कली मानसिंह बाबू आए थे, राजू शेट्टी साहब आए, संजय काका आए, सत्तू बाबू आए, सब ने आके यात्रा के बारे में पूछा कि क्या विशेष सहयोग, क्या सहयोग चाहिए, और हर 1-2 दिन में फ़ोन करके यात्रा के बारे में जानकारी देते।